हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा विद विक्रम में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बच्चों की एंटीबायोटिक सस्पेंशन के बारे में। जैसे क्या होता है, बच्चों को कफ हो जाता है, कोल्ड होता है या फीवर आ जाता है, तो वहाँ पर कौन सी एंटीबायोटिक को किस बीमारी में उपयोग में लाया जाता है, तो संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें, तभी आप मेडिसिन से रिलेटेड पूरी जानकारी को जान पाएंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल पर मेडिसिन से रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। यहां पर अगर हम सबसे पहले एंटीबायोटिक सस्पेंशन की बात करें तो वो है टैक्सिमो, और इसके अंदर जो कंटेंट्स है वो है सिफिक्सिम, और इसका उपयोग जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने में किया जाता है। और अगर हम बात करें इसके कहां कहां पर इसे उपयोग में लाया जाता है, तो टाइफाइड फीवर हो तो वहां पर भी इसका उपयोग किया जाता है, या थ्रॉट इन्फेक्शन हो, गले में इन्फेक्शन हो जाता है तो उन कंडीशन में भी इसका उपयोग किया जाता है, निमोनिया हो जाती है तब भी इसका उपयोग किया जाता है, STD जिसे हम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ कहते हैं, और ये डिसीज़ जो है ये बड़ों में होती है तो वहाँ पर भी इसका उपयोग किया जाता है। और बात करें इसके डोज के बारे में, तो इसकी जो डोज होती है 8 mg पर kg पर डे बॉडी वेट के अकॉर्डिंग दी जाती है। अब नेक्स्ट सस्पेंशन की बात करें तो वो है क्लेवॉम, और इसके अंदर जो है एमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लेवोनेट होता है, और इस सस्पेंशन का उपयोग भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के केस में किया जाता है। और अब बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में, इसका कहां कहां पर इसे उपयोग में लिया जाता है, तो टाइफाइड फीवर हो या निमोनिया हो जाती है, या थ्रॉट में इन्फेक्शन हो जाता है, गले में इन्फेक्शन हो जाता है, नोज में इन्फेक्शन हो जाता है, या UTI यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो तब भी इसका उपयोग किया जाता है। और अगर हम इसके डोज की बात करें तो इसकी जो डोज होती है 40 से लेकर 45 mg पर kg पर डे के बॉडी वेट के अकॉर्डिंग दी जाती है। नेक्स्ट जो सस्पेंशन है वो है एजिथ्राल, और इसके अंदर जो है एजिथ्रोमाइसिन होता है, और ये 100 और 200 mg के फॉर्म में आता है, और इसका उपयोग भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के केस में किया जाता है। और इसके यूजेस की बात करें तो इसका उपयोग जो है टाइफाइड फीवर हो या थ्रॉट इन्फेक्शन हो, गले में इन्फेक्शन हो जाता है, या RTI जिसे हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं, श्वास श्वसन तंत्र से संबंधित कोई इन्फेक्शन हो वहाँ पर भी इसका उपयोग किया जाता है, UTI यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो तो वहाँ पर भी इसका उपयोग है, टॉन्सिलाइटिस हो या स्किन इन्फेक्शन हो, त्वचा का संक्रमण हो तब भी इसका उपयोग किया जाता है। और इसकी डोज की बात करें तो इसकी जो डोज होती है 10 mg से लेकर 12 mg पर kg पर डे के हिसाब से 3 से 5 दिन के लिए ये सस्पेंशन दिया जाता है। अब नेक्स्ट सस्पेंशन की बात करें तो वो है मोनोसेफ, और इसके अंदर जो है सेफोडॉक्सिम होता है, और इसका उपयोग भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने में किया जाता है, और ये बहुत ही अच्छा एंटीबायोटिक सस्पेंशन होता है। और इसके यूजेस की बात करें तो इसका उपयोग जो है टाइफाइड फीवर के केस में किया जाता है, कोल्ड हो जाता है, सर्दी हो जाती है, या UTI यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो तब भी इसका उपयोग किया जाता है, स्किन में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है, या ईयर इन्फेक्शन कान में कोई संक्रमण हो जाता है तब भी इसका उपयोग किया जाता है, टॉन्सिलाइटिस हो या आई इन्फेक्शन हो, आँखों में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो तब भी इसका उपयोग किया जाता है। और इसकी डोज की बात करें तो इसकी जो डोज होती है 5 mg पर kg इसकी डोज होती है, और इसे जो है 12 घंटे के अंतर से सुबह और शाम में
इसे दिया जा सकता है। अब नेक्स्ट जो सस्पेंशन है वो है ऑफ्लॉक्सेशन, और इसका उपयोग भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के केस में किया जाता है। और इसके यूजेस की बात करें तो इसका उपयोग जो है स्किन में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो, लंग्स में हो इन्फेक्शन, जैसे कि फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है तो उन कंडीशन में इसका उपयोग किया जाता है। यूटीआई हो या टाइफाइड फीवर हो या किडनी में इन्फेक्शन हो, तो उन कंडीशन में इस सस्पेंशन का उपयोग किया जाता है। और इसकी जो डोज होती है 15 से लेकर 20 mg पर kg पर डे होती है। अब नेक्स्ट जो सस्पेंशन आता है वो है एमोक्सिसिलिन, और इसके ब्रांड नेम की बात करें तो इसका जो ब्रांड नेम है वो है मॉक्स, और इसका उपयोग भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के केस में किया जाता है। और इसके उपयोग की बात करें इसका कहां कहां पर इसे उपयोग में लाया जाता है, तो थ्रॉट में इन्फेक्शन हो या लंग्स में इन्फेक्शन हो, फेफड़ों में इन्फेक्शन हो किसी प्रकार का, या ओटाइटिस मीडिया हो, जैसे कि कान में किसी प्रकार का संक्रमण हो जाता है, कान बहने लगता है, तो वहाँ पर भी इसका उपयोग किया जाता है। टाइफाइड फीवर हो, जिसे हम मियादी बुखार कहते हैं, उस केस में इसका उपयोग किया जाता है। यूटीआई हो, जिसे हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं, मूत्र मार्ग का संक्रमण, या साइनसाइटिस हो, तो वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। और बात करें इसकी डोज के बारे में तो इसकी जो डोज होती है 20 mg से लेकर 40 mg पर kg पर डे के अकॉर्डिंग दी जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने बच्चों के जो एंटीबायोटिक सस्पेंशन होते हैं उन्हें कहां कहां पर उपयोग में लाया जाता है और उनकी डोज क्या होती है उसके बारे में जाना। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।